एक घंटे में एक्शन हो गया, एक दिन में एक्शन हो गया, इसका महीना नहीं हुआ, तीन महीने गुजर गए, सत्ता चाहिए, केवल सत्ता चाहिए। झूठ बोलते हैं, सबसे झूठा सबसे अनपढ़ प्रधानमंत्री यदि कोई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी है। ये सारे चैनल गोदी मीडिया है, वो नेशनल न्यूज नहीं दिखाएंगे, वो तो खामा खा के ऐसी न्यूज दिखाएंगे जो 20 साल बाद भी नहीं होने वाला। ईवीएम से वोट है, अगर बैलेट पेपर से लेता है तो नाली जूतियां जूतियां पल्ला पड़ेंगी, वोट नहीं पड़ना पड़ती। मेरी पोतियां भी हो रही हैं बड़ी बड़ी, मेरी बेटियां हैं, हमें शर्म आती है, हमारे समाज से जलते हैं जब ऐसा वो देखते हैं। कुर्सी चाहिए, ये सब कुर्सी की करामात है, इसके आका मोदी जी है। यदि मोदी जी का आका नहीं होता तो आज ही जेल में होता जी, और जब तक ये गुंडा बाहुबली नहीं कहेंगे हमसे, गुंडा है ये। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। तमाम किसान का हुजूम आप देख सकते हैं, तमाम किसान बेटियों के समर्थन में आए हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि लगातार खार पंचायत धरने पे बैठी हुई है और इनसे बातचीत करेंगे। तो क्या लगा बेटियों को इंसाफ देने में इतनी देरी क्यों? क्या कह रहे हैं आप? सही चल रही, इनकी मुँह इंसाफ नहीं मिल रहा, जान पूछ के नहीं दे रहे हमें इंसाफ। इनका आदमी हो और आदमी को तो पकड़ लेते हैं, इनका होने के नाते छोड़ रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ मिलकर तो यहाँ के लेना आते हैं, यहाँ नहीं तो आए, इंसाफ नहीं मिल रहा। गर्मी में दोपहरी में काम छोड़ गए, ये बेटियाँ रो रही हैं, अपना मेडल देखने को मजबूर हैं। हाँ हाँ, नहीं तो मजबूर हो रही बेचारी, कोई सुन नहीं रहा, सुनवाई नहीं। आप तमाम महिला नेताओं को देखे होंगे जो बीजेपी में है, वो लोग जब ये बेटियां मेडल लेके आती हैं तो अपनी बेटी बताती हैं आज हाँ, आज वे बाहर है, आज ही मिलना हो, आज क्यों ना आई मिलन में, उस टाइम तो फोटो खिंचवाऊंगा इनकी, क्या क्यों इन्होंने अच्छा लगाया था, हम भी लाए मेडल, अब कोई नहीं आ रहा, सुना कोठियों में बैठे अपना एसी में। क्या कहेंगे सर? सरकार और कोई प्रशासन भी जब रिपोर्ट होगी तो प्रशासन तो उठा सकता है, उसे नहीं उठा रहा। आप लोग आगाज किए थे कि तमाम किसान यहाँ पे पहुँचेंगे, लेकिन कम संख्या, क्या लग रहा है? बॉर्डर पे भी रोका गया, प्रतिनिधि बुलाए गए, प्रतिनिधि बुलाए गए, आज हमारी पंचायत हो रही है यहाँ, और 3-4 बजे के बाद जो भी होगा उसके बाद जनता होगी। क्या कहेंगे आप? भ्रष्ट सरकार है, इसमें किसी की सुनी नहीं जाती। ब्रजभूषण बाहुबली हैं, लोग बता रहे हैं, इसीलिए आदर्श पर कुरासी मुकदमे हैं, तो उन्हें तो सारे काम है, ऐसे आदमी तो सत्ता में बैठे हैं जिन पर मुकदमे हैं, पर भ्रष्ट है हमारे पर थोड़ा सत्ता में बैठ जाए तो। राहुल पे एक घंटे में एक्शन हो गया, एक दिन में एक्शन हो गया, इसका महीना नहीं हुआ, तीन महीने गुजर गए, इस पर 3 महीने भी नहीं हुआ। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे संसद भवन है, प्रधानमंत्री आवास, तमाम नेता मंत्रियों के घर है, और वो लोग बेटियों की आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे, तानाशाही चला रहे अपनी, मान रहे जो वैसे चल रहा काम, बेवकूफ पड़े यहाँ वे आ रहे हैं बेवकूफ आदमी। वो ये कह रहा है कि एक ही परिवार है, इसलिए मैंने कुछ नहीं करा, वो सब कुछ छेड़ेगा जब उसको जेल में जाएगा। अपने को 65 साल का बता रहा है, मैं 65 साल का हूँ, आसाराम 75 साल का था, 80 साल का, मेरी उम्र 72 साल की हो रही है जी। सरकार क्यों बचा रही है? ये बाहुबली नहीं, बाहुबली पहलवान है जो अपने भाव से जो है पटकते रहते हैं, ये गुंडे हैं। कारण क्या है? मोदी जी को चाहिए कुर्सी, इसका जो है गोंडा बस्ती में वहाँ से जो है इसका साम्राज्य है, ये गरीबों की वोटों को ढूंढता है, वहाँ से जो 10-12 विधानसभाओं पर इसका असर है, 2-3 लोकसभाओं पर असर है। मोदी जी को कुर्सी चाहिए, ये सब कुर्सी की करामात है, इसके आका मोदी जी है, यदि मोदी जी का आका नहीं होता तो आज ही जेल में होता ये, और जब तक ये गुंडा बाहुबली नहीं कहेंगे हमसे, गुंडा है ये, जब तक इस जैसे गुंडे को जेल नहीं हो जाएगी, जब तक जो किसान है चाटेंगे नहीं। यानी कुर्सी की लालच में मोदी जी साथ दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं मोदी जी और अमित शाह दोनों साथ दे रहे हैं, कुर्सी की लालच में जो आई केवल लालच केवल मात्र जो कुर्सी का आएगा, ऐसे ऐसे गुंडों को वहाँ से जो टैनी को बचा रखा जाएगा, उसमें जो आपके कौन लखीमपुर खीरी में टैनी को बचाया उन्होंने जो, और सेंगर जी को बचाया, उधर राजा भैया जी आएंगे, सारे गुंडों की फौज जो इन्होंने रखे जिससे इन्हें कुर्सी मिलती रही जो है। एक तरफ मोदी जी इन बेटियों को अपनी बेटी मानते हैं, आवासों क्यों नहीं दिख रहा है? उन्हें सत्ता चाहिए, केवल सत्ता चाहिए, वे झूठ बोलते हैं, सबसे झूठा सबसे अनपढ़ प्रधानमंत्री यदि कोई है तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये झूठ बोलते हैं। ये देखो, हम मेरी 75 साल मेरी पोतियां भी हो रही हैं बड़ी बड़ी, मेरी बेटियां हैं,
हमें शर्म आती है, हमारे जब ऐसा वो देखते हैं तीन बेटे के साथ में इतना जो है यौन शोषण हो जाएगा और उनकी आवाज नहीं सुन रही कोई सारी पब्लिक पड़ी हुई है। लेकिन संसद जो भवन है से प्रधानमंत्री कोठी में से 100 मीटर दूर नहीं है और आज वे जो है जो ऐसे गुंडों को बचा रहे हैं और बेटे मन की बात कहते हैं अपनी, लेकिन खिलाड़ियों की जिन खिलाड़ियों ने जिन बेटियों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है तिरंगे झंडे की शान बनाई है उन बेटियों की आज आवाज़ें सुन रहे हैं। ये ऐसे नरपिशाच को जो है ना जेड़ी सड़कों में, मैं तो ये कहता हूँ अब इनको जो फांसी की सजा दी जाए ऐसे को जो है हमें बड़ा दुख होता है बेटी, हमें बड़ा दुख होता है हमारी बेटियाँ जो आज सड़क पड़ी हुई हैं। ये नारी के सम्मान की बात है, भारत देश सदियों से नारी के सम्मान को करता आया है, विदेशों में भारत देश की गूंज है, अक्सर जाती थी कहीं सम्मान होता है तो नारी का सम्मान होता है यहाँ भारत में, आज उनकी बात है विश्व गुरु बनता प्राप्त होता है दुनिया में, दुनिया में इसकी क्या वो हो रही है कि जगह सही हो रही है दुनिया में, जो बेटी ओलंपियन है जहाँ मीडिया को भी जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी जिन्हें पार्ट लेने के लिए होंगी वो तो घंटे इंतजार करना पड़ता है ओलंपियन के, आज बेचारी हो सड़क पर हमारी भी पार्टी है। भारत है जहाँ पे बेटियों को पूजा जाता था लेकिन आज ये बेटियाँ बिलख रही हैं, रो रही हैं, क्या कहेंगे? भयंकर शोषण उनका हुआ है, इतने बड़े बच्चा उनके साथ हुआ है, क्या इसका ब्रजभूषण का बेटी नहीं है क्या, शायद बहन नहीं है, मानी है उसके साथ ऐसा कर दिया तो कैसा महसूस करेंगे आप, शर्माणी चाहिए लोगों को, इन्हें साल को फांसी मिलनी चाहिए और ये आँख मूंद के बैठे मोदी योगी यो क्या क्या अमित शाह इन्हें शर्म नहीं आ रही है कैसे आदमी कर्नाटक चुनाव में व्यस्त है। वही धार मिल जाएगी, वही धार मिल जाएगी कर्नाटक में, कर्नाटक में धार मिल जाएगी, कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट अभी आने वाला हो रहा है, झूठ बोलते हैं ये, झूठ बोलते हैं जो बेटी की बात कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनकी सब ये झूठी बात है, ये जब वाले लेके आती है इनके साथ में जो ये लंच लेते हैं ब्रेकफास्ट लेते हैं आज बेटा मन की बात को सोमवार भी शेयर की, सोमवार भी शेयर में जो है मन की बात में एक बजे में बेटे बना ऐसे जो है ऐसे आदमी सत्ता बैठे हैं जब तक जो सत्ता भाव उखाड़ने देंगे किसान मजदूर मिलकर जो है कहते हैं एक बिरादरी है, एक बिरादरी है, सब बिरादरी सब गाँव में, मैं हरिजन बिरादरी से हूँ, मैं लेकिन किसान का बेटा हूँ, मैं गाँव में रहता हूँ, मैं हरिजन बिरादरी से हूँ, मैं भी ऐसे बेटे के साथ सब बिरादरियाँ बिरादरी कोई नहीं होती जो है ये सबकी बेटियाँ मेरी बेटी दलित समाज हम पूरे नाराज है, हम दलित समाज के लिए क्या क्या किसी को भी एक 4 किलो चावल में खरीद रहे हैं, हमें 4 किलो चावल देखा हमें खरीद रहे हैं, ये हमारे सोच रहे हैं जो जो नेता जो सरकार बेटियों की नहीं खिलाड़ियों की नहीं हुई वो मारी नहीं हो सकती, वो जनता की नहीं हो सकती, कहना चाहते हैं एक राजा राम है और एक दूसरा राजा उसका छोटा भाई लक्ष्मण है, पीछे जब इन्होंने दशहरे का प्रोग्राम किया था योगी जी को ये लक्ष्मण कहते थे और खुद भगवान राम बनते थे, जब भगवान राम और लक्ष्मण के राज में रावण पनप रहे हैं बच्चियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं तो किस बात के राजा राम है और कैसे ये राजा राम का साम्राज्य स्थापित करेंगे, तो इनको शर्म आनी चाहिए, केवल इनके जो नारे हैं वो केवल और केवल वोट बैंक है, वोट बैंक अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये नारे बनाते हैं, नहीं तो देश में लूट झूठ और छूट की सरकार है, ये लूटते हैं झूठ बोलते हैं, कहाँ लूटते हैं, क्या लूट लिया, क्या क्या छोड़ दिया देश में, किस क्षेत्र में देश में देश के पल्ले कुछ है, आप मेरे को ये बताओ इन्होंने छोड़ क्या दिया, सारे तो जितने भी संसाधन है देश के जल जंगल और जमीन को ये बेच रहे हैं तो हमारे पास है क्या, और इससे बड़ी बात है जो आज हमारी बेटियों के साथ पता नहीं कितनी बेटियां ऐसी होंगी जिस दिन वो अंदर जाएगा वो सामने आएंगी, अभी तो ये 4-5, 8-10 बेटियां हैं, हो सकता है ये सैकड़ों में भी हो ये संख्या, क्या प्रधानमंत्री को ये संख्या नहीं लेना चाहिए या केवल सत्ता के लिए योगी बने थे वो, क्या कहेंगे, कहा जा रहा है कि राजनीति कर रही है जंतर मंतर पे बैठ के, कहाँ राजनीति, तमने ना दी राखी राजनीति कर रही है, हम तो परेशान हालत में देख रहे हैं, इनकी आँख खुल रही है, खुल रही नहीं ना इनकी, खुले इनकी खुल है, इनकी लठों से खुलेगी आँख, एक दो के इधर लठ नहीं बाजेगा इधर ना खुलने की, लठ चलेगा किसानों का, हाँ और क्यों और क्यों होगा, मारकाट ही मचेगा, जब 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 पढ़ा लिखा समाज या उच्च वर्ग के आदमी या जो जो अधिकारी हैं जब चुप्पी साधे रखे ना उसके बाद मारकाट मचेगा, यानी कि जो कहा जा रहा है कि
हमने कहा आ रहा है अपनी काल की ये या तो गजब गजब के लिए है गैर काल में गिना जी गैर काल जो कैमरा एक सेकंड बंद करके और तू मेरी बेटी है तू सोच क्या सही हो रहा है गलत हो रहा तू बता दे हां आप ही बताइए तुम बता दो पता नहीं सर ये सही नहीं बताएगा मीडिया दिखा तो रही है तीसरा मीडिया दिखा रही है तीसरा स्तंभ तुम तीसरा स्तंभ सोशल मीडिया सोशल मीडिया दिखा रही है पार्टी बचाने लग गई थी और ऐसे घमंड इसको हो रहा है कुलदीप सिंगर ने सारे गवाह मरवा दिए थे पूरी बीजेपी पार्टी उसको बचाने में लगी थी और आज जेल में वैसे ही ये जेल में जाएगा इसे बचा नहीं सकता कोई भी बीजेपी का ही नारा है भ्रष्टाचार मुक्त भारत सारा देश तो देख दिया रेल गेल हवाई एयरपोर्ट रेल सब गए रूट बेच दिए इन्होंने सारे रहेगी तो सरकार आ रही है सारे सारी सड़कें बेच गई जिन सड़कों पे हम चलते हैं ना आप जाके देखो मैं अभी बनारस गया था 2700 रुपए टोल टैक्स लगा आने जाने में जो सरकारी रोड थे ना सारे बेच दिए कोई चमचमाती नहीं है दिल्ली से आगरा इतना बढ़िया रोड था कहीं ब्रेक नहीं लगते थे आज दिल्ली से होटल जाके चले जाओ 400 रुपए टोल टैक्स लेगा इन चोरों ने सारा देश बेच दिया ये चोरों की सरकार है और जहाँ जाते हैं वहाँ विकास का नारा लगाते हैं लोगों को बहकाते हैं कर्नाटक के अंदर इतना वाह वाह लूट रहा भोली महिलाएं हाथ जोड़ रही है हम मोदी को देखने आए ये इससे चोर सरकार कोई नहीं आनी दो करोड़ हर साल नौकरियों का वादा करा था और 15 लाख वो कहाँ गया रामदेव जो बोलता था अगर बाहर से पैसा आ गया काला टैक्स का तो 50 साल हम देश पर टैक्स माफ कर देंगे और GST इन्होंने 28% लगा रखी है जो मोटरसाइकिल 52,000 की थी वो 1,00,000 की आ रही है सारा चोर इन रामदेव जो बोलता था विदेशी वो स्वदेशी अपनाओ विदेशी छोड़ो किलो का 900 ग्राम कर दिया रामदेव ने तेल सारे चीज किलो के 900 ग्राम कर दिए इन्होंने और रामदेव कहाँ गया ना जा रहे रामदेव के पीछे ईवीएम से बनी रहेगी जिस दिन ईवीएम हट जाएगी ना उस दिन धड़ाम से गिर जाएगी ईवीएम हटाओ और बचाओ इनकी जान जैसे तोते की जैसे किसी की जान तोते मतलब इनकी जान ईवीएम में है जिस दिन ईवीएम हट जाएगी ये सब भूल जाएंगे नहीं आप मेरे को ये बताओ आपके पास कोई से ऐसे यंत्र है जो इनको 50 साल जीवित रख लेगा जनता पसंद कर रही है अरे जनता ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो ये वादे कर रहे हैं ये 150 साल तक जीवित रहेंगे क्या कौन से इनमें से 50 साल और जी जाएगा मेरे को तो लगता पत्रकार भी उनके हिसाब से झूठ और लूट और छूट में पत्रकार बिके हुए हैं लगता नहीं आपको आप केवल सोशल मीडिया वाले पत्रकार बेचारे ये सही है अपने TRP बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो बाकी मेरे को नेशनल चैनल एक भी बता दो नेशनल चैनल एक ने भी ये नेशनल टीवी पे दिखाया हो क्या उनको नहीं लगता कि बेटियों के साथ अच्छा अत्याचार हो रहा है उनके बेटियां नहीं है क्या गोदी मीडिया है जो भी इनसे पूछता है ना परसों वाजपेयी ने उससे सवाल पूछा था रामदेव से उसको न्यूज से निकाल दिया NDTV के अंदर रवीश कुमार था वो TV खरीद लिया ये सारे चैनल गोदी मीडिया है वो नेशनल न्यूज नहीं दिखाएंगे वो तो खामा खा के ऐसी न्यूज दिखाएंगे जो 20 साल बाद भी नहीं होने वाला सही बताइए देश में भारत माँ भारत की आन बान शान बढ़ाने वाली तिरंगा ऊंचा करने वाली हमारी महिला पहलवान के साथ जो अत्याचार हुआ जो ब्रिभिषण शरण सिंह ने अत्याचार किया है उसको गिरफ्तार करना चाहिए जितना जल्द हो सके खेल मंत्री कह रहे हैं कि FIR दर्ज हो गया है अब धरना हटा लेना चाहिए खेल मंत्री उसकी बिरादरी का है खेल मंत्री उसकी बिरादरी का है वो भी ठाकुर है अरेस्ट करा आपको लगता नहीं कि सारा एक जातीय समीकरण चल रहा है ये जाट कम्युनिटी में बैठी है भारत देश के खिलाड़ी बैठे हैं ऐसा मैडम देखिए आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आज पूरे देश ये मांग कर रहा है कि बीरभूषण सिंह को गिरफ्तार होना चाहिए लोकतंत्र पर है राजतंत्र भारत में नहीं है भारत लोकतंत्र का देश है जो लोग कह रहा है कि गिरफ्तार करना चाहिए इसको उसे जगह देना चाहिए तो मोदी जी को जल्द से जल्द उसको उठा उनको जेल जाना चाहिए जेल में जाना चाहिए मैडम जी है ना आपके माध्यम से पूरा देश जागृत हो चुका है हर कोने कोने में कह रहा है बीरभूषण सिंह को गिरफ्तार होना चाहिए महिलाओं के साथ जो इन्होंने जघन्य अत्याचार किया है जो अन्याय किया है उनको गिरफ्तार होकर सजा मिलना चाहिए बीरभूषण सिंह तो इस तरह से महिला आयोग की अध्यक्ष है क्या कहेंगे क्या कहेंगे तानाशाही सरकार है इन्होंने कसम खा रखी है 50 साल राज करेंगे
और ये डंडे के बल पे और सब इन्होंने सब टोटली खरीद रखा है सारा सिस्टम इन्होंने, कोई कुछ नहीं बोलता, जेलों में मर्डर हो रहे हैं, बताओ कहाँ सुरक्षित है आदमी। देख पा रहे होंगे किसान अब एकजुट हो चुके हैं और कह रहे हैं ये बेटियां जो धरने पे बैठी हैं कोई आम बेटियां नहीं है, ये किसान की बेटियां हैं जो अखाड़े में लड़ सकती हैं, वो धरातल पे आके लड़ सकती हैं, जो अत्याचार करेगा उसके खिलाफ भी ये लड़ेंगी। और लोग बेटी तो मोदी की भी है, फोटो पंचवा रहे थे इनके साथ, चाहे पिला रहे था जब तो उसका भी मान सम्मान बढ़ रहा था क्योंकि वर्ल्ड में फिरता रोज जाज लेगा। आज उसकी बेटी यहाँ बैठी, उन्हें तो डूब का मर जाना चाहिए, सलपास की गोली खा लेनी चाहिए, अगर उसने नहीं कहीं से मिलती किसान के खेत में मिल जाएगी एक्सपायरी डेट की भी, अगर मरना चाहे तो। उसने गुंडा पाल रखा, ये मंत्री नहीं है गुंडा, 50-50 मुकदमे दर्ज है उसके, जनता का तो ऐसा ईवीएम से वोट है अगर बेल्ट पेपर से लेता है तो नाली जूतियां पल्ला पड़ेंगी, वोट नहीं पड़ना पड़ती, जो काम हो रहा है मोदी का तो मन की बात करता है, मन की किसी की सुनता ही नहीं, पैसे दे देगा इसके मंत्री संतरी का प्रशासन तब जाकर वो मन की बात सुनावा लोगों ने कैद में करका टीवी आगे बंद का, एक नहीं सुनता सबने टीवी फोड़ दिया, करो चलो मेरे खिलाफ मतलब आत्मा में आपने ले जू ना जरा मोदी की फोटो दिखा सड़े ने टीवी से दड़ू मारा चोरी चोर ने देख कर राजी नहीं, मोदी का तो यू बुरा हाल हो रहा, विदेशों में डंका बज रहा है, अरे जिसकी बेटी सड़क पर रुल रही उसका डंका कहाँ बज रहा, सबे का बेड़ा गर्क हो रहा, सारा दुखी हस्ता था संसार उसका नहीं कोई भी है तो पैसे पैसे वाले मोदी 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 करें, जिसने 4 किलो अनाज मिल जाओ कर दंदा होगा, बाकी नहीं करता कोई भी इसका 3 मार कर राजी में करे, ऐसा बुरा हाल है इसका तो, एक भी कौन सा मंत्री है इसका, एक रहने सुनो होल्डिंग देख रखे ये लग रहे 40 मुकदमे आप दिखाओ उसने और आप उसका सवाल करो बदनाम करने के लिए क्यों है, आप जिसके साथ घटना घटती है वो FIR कराने के जाता है, उसका धक्के मार कर जूते मार कर बाहर निकाल देते हैं, उसकी तो आवाज ही नहीं आती सड़क पर और ना मीडिया आती वहाँ। आप होर्डिंग बैनर देखिए और लिखा रहता है उसमें कि भारत की जनता सबसे खुशहाल जनता है, मैं कह रहा जद का ये बन रहा सारी जनता दुखी हो दुखी है, जिसका तो दर सुनना चाहवा हुई हो बुखारे पाड़ा पूरा क्योंकि दुखी हो रहे, एक रहने मैं संदीप मंत्री उन्हें भी बेटियां के लाइयो हाल कर रखे और उन्हें भी खट्टर गोद में लियो बैठे आज तक नहीं टर्मिनेट नहीं करे सस्पेंड नहीं करे अंदर नहीं दिया और ना इसको अंदर करते, क्यों 2-4 इसके MP बन जाए इसके प्रभाव से वहां से 5-4 MLA बन जाए, मोदी भी इसको कांच में लियो बैठा, योगी इसको कांच में लियो बैठा, जब योगी कहता है मेरा बल्डोजर चलता है इसको अपने भूपे पे क्यों नहीं चलाता, उसका भूपा लगा अरे मोदी का दिमाग लगा के मोदी इसने बचाए बैठा, मई मोदी का दिमाग लगा फिर ये बचा रहा, ये बेटी नहीं है किसी की, ये जो मान सम्मान देश का यहाँ बैठा उन्हें वर्ल्ड में इन्हें नाम कमा रखा झंडा ऊंचा कर रखा, ये कोई छोटी बात है, ये बैठे खिलाड़ी असली तो ये है मोदी क्या चीज असली, ये असली चीज हम उसका मान सम्मान करते हैं लेकिन कि उसको इस्तीफा ले और मोदी अपनी बेटी को बुलाकर अपनी जैसे पहला फोटो कंजवा रहे था ना उसका दर्द सुना और फौरन उसको अंदर देगा, खेल मंत्री कह रहा है FIR दर्ज हो गया और धरना हटा लेना चाहिए, हटा देंगे उसको मतलब इस्तीफा दे दे और वो अंदर कर दे उसको, 1 मिनट लग दी इस्तीफा यहाँ से तो धरना हटा देते हैं, बैठी हुई है जांच होगी तभी तो अंदर होंगे ना, अरे जांच वाले तो मई हूँ मिक्स हो रहे जांच कौन कर रहा है उसकी, जांच होती तब तक इनके बयान नहीं लेकर उसको अंदर दे देंगे, जांच कमेटी पे भरोसा नहीं, अरे बेटा जिसके साथ बलात्कार हो यार जिसके साथ छेड़खानी हो रही अनबालिग लड़की है उनके साथ तो कोई आज तक बयान लेने नहीं गई पुलिस, आज तक तो उनके बयान ही नहीं लिए, अंदर कैसे दे देंगे इस मंत्री को, ये तो मतलब कुर्सी जी भी हो रहे हैं तो ये तो इलेक्शन लड़ते फिर रहे वहाँ कर्नाटक में, यहाँ तो है ही नहीं है, ये तो सारे वहाँ पड़े दिन रात रैलियाँ करे, बहन भाइयों बहन बेटियों पढ़ाओ और पटाओ दोनों ये बात तो बोलता हो, जबान नहीं फिसल गई नुका भाई असली काम ये पटाने का करो, जबान नहीं फिसलती है एक बार में 2 बार में सुधार लियो, कोई कितने के नाम गिड़ा हूँ इसके मंत्री अंगे सारे दिन यही छेड़खानी करा, अभी कर्नाटक चुनाव में गए थे प्रधानमंत्री वहाँ पे भी महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, वहाँ भी नहीं कह रहे था बेटियाँ पटाओ और पटा लियो, ये कौन ही नुकंदा भी बचाओ इनको, नहीं तो यहाँ तो एक अधिकारी भी वैद्य जद भी चली जाएंगी बेटियाँ तो उसकी कोठी पे अभी चली जाएंगी और वो सिर्फ इतना बयान दे दे भी तो इस्तीफा दे और पुलिस अधिकारी ने कह दे इसको अरेस्ट करके अंदर घेरो,
ये अरे उसका बाप था तो आसाराम, वो अंदर गया ना उपद्यारो मुकदमे लिखड़ के रासली बने। अरे युवा जहाँ आसाराम खुदू बना रहे हिंदुस्तान का पूरे का। सर लास्ट सवाल ये है कि आप लोग जंतर मंतर पे कब तक बैठे रहेंगे? जब तक अंदर ये नहीं जाएगा, जब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा, सबके पिट्ठू लद रहे हैं और अपना यहीं बैठे और यहीं खुंटा काट दिया। बेटियों को इंसाफ दिलवाएंगे? इंसाफ दिलवाएंगे, बिल्कुल दिलवाएंगे, इसको अंदर कराएंगे और इस पर सारे मुकदमे सच होंगे। कल को जितनी बेटियां चाहे वो 150 चाहे 1 और चाहे 1000 हो, सारी बेटियों के बयान भी होंगे और ये अंदर से बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग साफ तौर पे तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये किसान है जो किसान सरकार को झुकने पे मजबूर किए थे किसान आंदोलन में, अब वही किसान जंतर मंतर पे आ गए हैं और कह रहे हैं कि जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक यहाँ पे डटे रहेंगे। आप इस खबर पे क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आप लोग को लग रहा है वीडियो देख के कि ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो जाएगी या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।